हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ एक लंच बॉक्स की रेसिपी। मैं आज बना रही हूँ स्वीट पटैटो और पटैटो मिक्स करके बच्चे के लिए पराठा, जो वो आज स्कूल में लेके जाएगा। मैंने स्वीट पटैटो और पटैटो को अच्छे से पील करके धो लिया था और अब प्रेशर कुकर में डाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के 4 से 5 हम विसल लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पटैटो मैशर से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। और आप ये पटैटो, अगर बच्चा स्वीट पटैटो नहीं खाता है तो आप उसको पराठा बना के दीजिए, वो अच्छे से खाएगा और ये अच्छे रहते हैं, हेल्दी होते हैं, तो बच्चा आराम से खा लेगा। मैंने इसमें पटैटो इसलिए ऐड किया था क्योंकि स्वीट पटैटो मेरे पास कम था इसलिए। इसके बाद हम इसमें अपना आटा डाल देंगे गेहूं का, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। और उसके बाद थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ में अजवाइन भी, दोनों चीज़ हाथों से अच्छे से पीस कर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे, और नमक डाल देंगे। पहले हमने स्वीट पटैटो और जो पटैटो बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड किया था और साथ में वो धनिया पाउडर है वो ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्पून के करीब यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया था। इसमें चाट मसाला ज़रूर ऐड करें, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और आज मेरा व्रत था संकट चतुर्थी का, तो मैं तो खाना खाने वाली नहीं थी, तो मैंने जो आटा था वो पराठे का वो ज़्यादा ही लगा लिया था। और इसमें हम अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसका आटा लगाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा थोड़ा टाइट डो लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम मैंने है डो लगा लिया है। इसके बाद हम इसके पराठे बना लेंगे। यहाँ पे एकदम दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से प्रेस करके इसको सेक लेंगे, अच्छे कुरकुरे यानी अच्छे खस्ता पराठे बनेंगे। और ये आप दही के साथ, चटनी के साथ, आप जिसके साथ खाने चाहे उसके साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जियांस का जो लंच बॉक्स है उसमें डालने के लिए रोल बना दिया था और बीच में से कट कर दिया था जिससे उसको खाने में आसानी हो बच्चे को। तो मैं ज़्यादातर अगर ऐसे स्टफ पराठे बना के देती हूँ तो उसको रोल करके और बीच में से कट करके दे देती हूँ ताकि वो सिर्फ उठाए और जो चटनी है या फिर मैं उसको सॉस वगैरह या दही कुछ दे रही हूँ उसमें डिप करके वो सीधा खा ले, और इससे बच्चा अच्छे से खा लेता है। और जब ये ऐसी चीज़ें बना के देते हैं तो टिफ़िन पूरा खाली होके आता है। तो ये एक मेरी लंच की रेसिपी थी, तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पे मैंने जियांस के जाने के बाद घर का जो रूटीन वर्क है वो सारा कर लिया था। और वो रूटीन वर्क करने के बाद, जैसे मैंने बताया, ये संकट चतुर्थी का फास्ट है मेरा, तो उसकी कहानी सुनने के लिए हम बैठ गए थे। मिहिर है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, हम सारे अभी कहानी सुन रहे हैं। पहले मैंने सबको तिलक लगाया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कहानी सुनी। और मेरा जो मॉर्निंग का वर्क था वो लगभग 11:30 के अराउंड फिनिश हो गया था। और जो लंच था वो मुझे तैयार नहीं करना था, पराठा जो मैंने सुबह बनाया था उसी का डो ज़्यादा लगा लिया था क्योंकि हस्बैंड और मिहिर को ही खाना था, तो मैंने बस वही लंच में उनके लिए भी वही पराठा दही और चटनी उनको मैंने दे दिया था। और यहाँ पर हम तीनों ने कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद फिर हम ऊपर छत पे जाके जो सूर्य देव है उनको अर्घ दिया। और इस तरह से मेरा जो सुबह का रूटीन था वो कंप्लीट हो गया था। लंच भी यहाँ पे मैंने दे दिया था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इवनिंग में, और यहाँ पे ये इवनिंग हो गई है और मैं यहाँ पे शाम की पूजा कर रही हूँ दिया लगाने के लिए मंदिर में। और मिहिर यहाँ पे मेरे पास खड़ा है और देख रहा है कि मम्मा क्या करी, और कैमरा की तरफ देख देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो देखिए कैमरे की तरफ देख के स्माइल कर रहा है। और यहाँ पे जो धूनी है इसमें कपूर की, ये मैं वीक में 2 बार घर में करती हूँ, तो मंगलवार को और शनिवार को करती हूँ। तो ये जो उस दिन मंगलवार था तो मैंने ये धूनी की थी कपूर की। और इस तरह मैंने मेरी जो शाम की पूजा थी वो करी, और वो करने के बाद फिर जो मेरे खाने का था वो मैंने प्रिपरेशन थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी।
यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेई की खीर और साथ में आलू मटर की सब्जी और पूरी। तो यहाँ पे सेई के लिए मैंने पैन में दूध डाल के दूध गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दिया है, और उसके साथ मैं अभी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ओनियन ले लिया, उसको अच्छे से कट कर लिया है, और यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और एक टमाटर लिया है। इनको अच्छे से हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इनको आपके पास अगर मैनुअली चॉपर हो उसमें भी चॉप कर सकते हैं। और इसके बाद ये सारा मैंने चॉप कर लिया था। अब हम जो तड़के की सॉरी अब हम जो सेई है उनको मैं थोड़ा घी में भूनूंगी, क्योंकि साथ सीधा डालने से टेस्ट मुझे थोड़ा कच्चा सा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो उनको थोड़े से घी में उनको रोस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा घी नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा घी लेना है और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको कम फ्लेम पे ही और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और गैस की फ्लेम है मैंने ऑफ़ कर दी, और थोड़ी देर इनको हम और चलाएंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। और ये अच्छे से सिक गई है। इनको सिक जाने के बाद हम इसको जो हमारा दूध है वो अच्छे से गर्म हो गया था, तो जो सेई है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम अच्छे से चला लेंगे ताकि जो सेई है वो आपस में चिपके ना और एक जगह इकट्ठी ना हो। तो मैंने यहाँ पे सारी सेई डाल के इसको अच्छे से और चलाया था, और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए इसके साइडों में जो मलाई है वो लगने लग गई थी, उसको भी थोड़ा साफ़ कर देंगे और इसको अब मीडियम गैस पे करके रख देंगे। और यहाँ पे हम हमारी सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। पैन में ऑयल ले लिया, उसको अच्छे से हीट होने के बाद मैंने जीरा ऐड कर दिया है, और जीरा ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग मैं लगभग सब सब्जियों में डालती हूँ ताकि बच्चों को या किसी को गैस की इनकी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जो चॉप की ओनियन थी वो ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ओनियन को, और थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे ताकि ये अच्छे से इनका क्रिस्पी आ जाए। नहीं देखिए अच्छे से पक गई है। और अब इसमें हम जो कटे हुए हमारे पटेटो थे या आलू थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इनको भी हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे ताकि इनके ऊपर भी जो थोड़ा क्रिस्पीपन सा आ जाए। और ये पूजियों के साथ ये सब्जी है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको तेल में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे आलू को, ताकि थोड़ा थोड़ा फ्राई जैसा इसका खाएं तब फ्राई वाला टेस्ट आए। और यहाँ पे अच्छे से चला के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आलू अब थोड़े से फ्राई हो गए हैं। हम इसमें जो हमारे बेसिक मसाले हैं, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह, सारे हम इसमें जो मसाले हैं वो डाल के मसालों के अंदर अब थोड़ी देर जो ये आलू है इनको फ्राई करेंगे, ताकि मसालों की अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए और इनमें मसालों का टेस्ट आ जाए। इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं डाले हैं। उससे पहले पानी डालने से पहले हम इसमें कटे हुए जो हमारे टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार फिर से चला देंगे। टमाटर हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, और ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसके अंदर जो हमारा सोल्ट है वो ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। नमक से जो आलू हैं और जो ये टमाटर हैं ये अच्छे से कुक हो जाते हैं नमक डालने से। तो इस स्टेज पे मैंने नमक डाल दिया जिससे ये जो आलू हैं और टमाटर हैं ये अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना पूरी के साथ आपको जितनी तरी वाली सब्जी खानी है उतना आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, पर पानी हल्का सा थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि आलू हैं उनको गलने के लिए पकने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा। और इसको हम ढक के थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे, और इधर हमारे जो सब्जी है वो कुक होती रहेगी। बीच में चेक कर लेंगे हमारी जो खीर है वो अच्छे से पक गई है। अब इसमें हमारे जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे काजू और बादाम ऐड किए हैं,
आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हो, किशमिश वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद इसमें हम जो शुगर है वो ऐड कर देंगे, और जो चीनी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए कि आपको कितना मीठा रखना है और कितना आप खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिए। आप इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इलायची मैंने यहाँ पर जो है छिलके के साथ थोड़ी सी कूट कर और ऐड कर दी है, छिलका नहीं हटाया है। छिलके से इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके बच्चे छिलका ना खाए तो जैसे थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप छिलका निकाल के साइड में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी खीर थी वो तैयार हो गई थी। अब हमारी सब्जी की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे जो आलू हैं वो अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मटर ऐड कर दिया है। ये जो मटर है फ्रोजन है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो थोड़ा और ऐड कर दिया। उसके बाद जो कसूरी मेथी है वो ऐड कर दी थी। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम चला देंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लगभग हमारी जो सब्जी है वो कुक हो गई है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे क्योंकि मैंने पानी ऐड कर दिया है थोड़ा। तो इसको हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे जो खीर है वो देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और इसी बीच मैंने जो पूरी का आटा था वो लगा लिया था। और मैंने पूरी बनाने के तलने के लिए इधर कढ़ाई में तेल रख दिया था। ये गरम हुआ तेल, तब तक मैंने आटा लगा लिया था। जो एक्स्ट्रा जो पूरी थी जो बनानी थी, वो सारी पूरी बना बना के मैंने साइड में रख ली थी क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी और वो खाना खा के ड्यूटी पे जाने वाले थे। इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे पूरियाँ बना के साइड में रख ली ताकि एक साथ सारी पूरियाँ मैं फ्राई कर सकूँ। पूरियों का साइज थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि मैं लेट हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, इसलिए पूरियों का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा ही मेरे से बन रहा था। और यहाँ पे ऐसे करके मैंने सारी पूरियाँ पहले बेल के रख ली थी तेल गरम हुआ तब तक। और तेल गरम हो जाने के बाद फिर मैंने एक एक करके सारी पूरियाँ यहाँ पर फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे जो पूरियाँ सारी फ्राई हो जाने के बाद हस्बैंड ने और बच्चों ने जो डिनर था वो कर लिया था। और जैसे मैं आपको मैंने बताया मेरा फास्ट था तो मैंने नहीं किया था। और ये हमारा रात के खाने की जो थाली थी वो इस तरह थी, खीर और आलू मटर की सब्जी और पूरी। और बच्चों ने भी खा लिया था और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। चांद लगभग 9 बजे के आसपास निकला था और मैंने चांद को देखकर उनको अर्घ देके फिर मैंने खाना खाया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक बटन प्रेस करके मुझे मोटिवेशन दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।